अरे टोनी, तू सवेरे सवेरे मौत की तार की तरह कैसे आ गया? क्या बताऊं यार, कल रात फादर ने इमरजेंसी लगा दी, बोला जब तक मैं काम पे ना लग जाऊं मेरी सूरत नहीं देखेंगे। अरे अजीत के होते हुए इतनी जरा सी बात के लिए परेशान होता है? अरे खड़े खड़े तो तीन तीन नौकरियां दिलवाऊं। बोल। तीन? हाँ, एक अमर के यहाँ, एक अकबर के यहाँ और एक एंथोनी के यहाँ। ये तेरे खानदान में ये घपला क्या है यार? एक भाई अमर, एक अकबर, एक एंथोनी। एक लंबी दुख भरी दास्ता है। ये मेरे पिताजी ईश्वरलाल, इनका पहला ब्याह शांति देवी के साथ हुआ और अमर पैदा हुआ। अमर पैदा होते ही भगवान ने लाइटिंग कॉल लगा के शांति देवी को ऊपर बुला लिया। फिर मेरे पिताजी लखनऊ चले गए, वहां उन्होंने शकीला बानो के साथ शादी किया और अकबर पैदा होते ही अल्लाह ने एसटीडी करके शकीला बानो को ऊपर बुला लिया। मेरे पिताजी के दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा, एक वहां गिरा, एक गोवा में जाके गिरा। वो लगा जूली के हाथ में, पिताजी ने जूली के साथ शादी किया और एंथोनी पैदा होते ही गॉड ने डिमांड कॉल लगा के जूली को ऊपर बुला लिया। बाद में मेरे पिताजी ने मेरी माँ के साथ शादी की। ये है वो बंतो रानी। ये बुरा नहीं माना, लेकिन ये तो जी रही है। वो ऑर्डिनरी कॉल था, इसलिए मेरे पिताजी चल बसे। ओ। पिताजी की याद में मुझे राग याद आया, मैं अभी सुनाता हूँ। नहीं, पहले नौकरी की बात कर। हेलो। हाय। घबरना नहीं, ये मेरे अंदर की आवाज है। सुबह बकरी का मटन खाया था ना, रिएक्शन हो गया। अच्छा, इन वार यू? जी मैं अजीत का दोस्त हूँ। अच्छा, अजीत हमको बोला तुम नौकरी के वास्ते आया। ही इज माय फादर। ओ, इन्हें तो मैं मिल चुका। एक लंबी कहानी। जी देखिए सुनिए, मैं अभी अभी एक कहानी सुनकर आ रहा हूँ, मुझे नहीं सुनना। मैं शादी की तब आप ये थम्स अप में रम क्यों मिला रहे? ये भी एक लंबी कहानी है, सुनाइए। कल ही मेरा दारू का लाइसेंस कैंसिल हो गया। 2 महीना लगेगा नया लाइसेंस मिलने के लिए। तब तक क्या मैं कस्टमर को बियर पिलाते रहूंगा? इसलिए मैंने आइडिया किया, तुम अच्छे वक्त पर आयो। मेरा बारमन कल ही मेड सर्वेंट के साथ भाग गया, हम तुमको नौकरी पर रखता। देखो कोई भी कस्टमर थम्स अप मांगेगा, समझ लो रम मांग रहा है, समझे? शो का टाइम हो रहा है, तुम बारमन का ड्रेस पहनकर जल्दी आ जाओ काम पे। तब तक मैं जरा खा के आता हूँ, कुछ नया खाऊंगा। बामे, यस, जल्दी से ग्लास पानी मोना के लिए भिजवा। ये मोना कौन है? तुम मोना को नहीं जानते? नहीं। सचू, अब एक घोंचू, यहाँ नौकरी करनी है तो जल्दी से एक ग्लास पानी मेकअप रूम में पहुँचा दो। अगर पानी नहीं मिला तो मोना गाएगी नहीं, गाएगी नहीं तो शो नहीं होगा, शो नहीं होगा तो बाटलियां टूटेंगी, और अगर बाटलियां टूटी तो बार बंद हो जाएगा, और अगर बार बंद हो गया तो तेरी नौकरी फिनिश। स्टैचू, अब समझा मोना कौन है? जी। जल्दी कर। एंथोनी सेठ, अरे डिस्को बैंड बात की जगह कर्नाटक राष्ट्रीय संगीत समिति के साजिंदे आ गए, मृदंगम और तानपुरे लेके। बॉमैन, एक थम्स अप। थम्स अप? थम्स अप? यू मीन थम्स अप? यस, थम्स अप। ओह, आई अंडरस्टैंड, 1 मिनट। मैडम, थम्स अप। स्मार्ट। ओ या। एंथोनी। यस। तुम्हारा बारमैन थम्स अप में रम निकल के मुझे पिलाता है, या तो आइदर वो रहेगा या मैं। नहीं, आप 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 टोनी। यस सर। अभी देखा था टोनी, हम सब में रम मिक्स करता है, शर्म नहीं आती। गेट आउट, गेट आउट। देखा मेरा आवाज? लेकिन सर, गेट आउट। सर लेकिन ये आइडिया तो, तेरा सर फोड़ दूंगा। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ छोटे भैया, मुझे नौकरी मिल गई है। छुटकी, नौकरी कोई सड़क पर पड़ी हुई चवन्नी अठन्नी थोड़ी है, जो उठा ली और मिल गई। और वैसे भी गिरी पड़ी चीज उठा के लाना बहुत बुरी बात है, अब जिसकी नौकरी तू उठा के लाई है वो बेचारा कितना रो रहा होगा।
मुझे 5,000 रुपए महीने की नौकरी मिली है और ये रहा एडवांस। नकली नोट? नहीं नहीं नहीं, नहीं असली है। हाँ। इतना पैसा पूरे इंडिया में नहीं तो इसके पास 5,000 कहाँ से आएगा बे? छुटकी, क्या तूने स्मगलिंग शुरू कर दी है? जी नहीं, मुझे मेलोडी क्लब में डांस करने की नौकरी मिली है। असंभव! मेरी बहन नृत्य करे ये कभी नहीं। बड़े भैया मुझे नौकरी करने दो ना प्लीज। कभी नहीं। शी इज राइट, करने दो। कभी नहीं। क्यों कभी नहीं? कैसी दुनिया में रहते हैं आप? ऐसी दुनिया में? ओह भैया, आप उन पैसों से अपनी डिटेक्टिव एजेंसी खोल लो बस। शी इज गॉट अ पॉइंट। शो मी द पॉइंट। डिटेक्टिव एजेंसी, शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा माल। ये हम खा के फैसला करेंगे। तो मूवे मूवे श्याम जी। बोलो बहन श्याम जी। अगर हम लोग इस शाखा को पकड़ लें तो हीरो बन जाए हीरो। कौन शाखा? शाखा वही जिसने 8 कत्ल किए हैं। कोई अता पता? अगर इसका अता पता होता तो अब तक पकड़ा नहीं गया होता। अरे कोई हुलिया। कहते हैं कि जब भी वो कत्ल करता है तो सिर्फ उसकी परछाई सी नजर आती है और फिर एक किक। क्या हुआ? परछाई। यही मौका है। यही मौका है। फॉलो मी। चित हो गया। सुन, ये शागा कत्ल करने किसका आया था? उधर से वो लड़की। चलो उसको खुशखबरी सुनाते हैं। आज उसका नया जन्म हुआ है। हैप्पी बर्थडे है उसका। ले ले। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू। ऐसी चीज से हमने आपको बचाया है। मौत के मुंह से बचाया है। लेकिन आप लोग हैं कौन? बहुत जल्द दुनिया में मशहूर होने वाली जासूसों की जोड़ी। श्याम जी। घनश्याम जी। लेकिन आप लोग चाहते क्या है? हम कुछ नहीं चाहते। शाका आपको कत्ल करना चाहता था। ये शाका कौन है मालूम है? जिसने सिर्फ 8 कत्ल किए हैं और 9वां कत्ल आपका करने वाला। लेकिन वो। और हम दोनों ने बचा लिया आपको। कहाँ है वो? बताते हैं। दीदी आइए। अपने दीदों से देखिए, ये रहा शाका। ये वो कातिल। अरे आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। आप लोग डिटेक्टिव नहीं, कुत्ते की तुम है। कुत्ते की तुम तो होती नहीं है। कुछ और बोलिए। बेवकूफ है। ये चलेगा? हमने आपकी मदद की, आप हमको बेवकूफ बोल रही है? इडियट्स, नालायको, गधो, ये मेरे पति आईजी चौधरी है। आजा। अरे करीम भाई, आपको भी पता चला हमारे मैजिक टाइम का? अरे जिंदगी भर का झंझट ही खत्म हो जाता है ना। हाँ, हरा है, पीला है, काला है, लाल है, सब है। आइए आइए आप, आइए आइए। सुनिए, बैठिए। देखो, हीरो का कट 25 रुपया, एक्सेल का कट 40 रुपया, एक्सपायर फर्स्ट क्लास का कट 50 रुपया, अमरीशपुरी का कट 10 रुपया। देखिए मेरा नाम। घबराए मत, ये मेरी आवाज है। ओ क्या हुआ सुबह? अपने कुत्ते को लेके मैं डॉक्टर के पास चला गया था। 10 दिन से भूखता ही नहीं था। कौन? डॉक्टर। डॉक्टर ने कुत्ता। हाँ, जैसे डॉक्टर ने इंजेक्शन देना शुरू किया, कम्बक कुत्ता भाग गया और वो इंजेक्शन मुझे लगा, तभी से चालू है। देखिए मेरा नाम टोनी फर्नांडेज है। लाहौल बिलाकोद मियां, पहले क्यों नहीं बताया? अजीत ने तुम्हारा जिक्र किया था। अच्छा अच्छा। ये मेरे अब्बा जाने हैं। नमस्कार। एक लंबी कहानी। नहीं 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 नहीं, देखिए मैंने नहीं, ये कहानी सुन चुका हूँ मैं। किसी को सुनाऊंगा? अकबर मियां प्लीज, मैं जल्दी में हूँ, मैं रेडी हो जाता हूँ। हाँ हाँ आया मियां, तब तक आप परसों वाला अखबार पढ़िए। देखो तुम आज से काम पे लग जाओ। और वो 4 नंबर वाला, नहीं नहीं वो 4 नंबर वाले के पास मत जाना, उसके बाल ढूंढते ढूंढते मेरा पूरा जी निकल जाता है। तुम ऐसा करना, वो 2 नंबर में कस्टमर बैठे हैं ना, उनके पास जाओ और वहाँ 4 मैजिक डाई पड़े हुए हैं, उसमें से उनको काला डाई लगाओ, जाओ। जी लेकिन जी, जी। ये देना और हाँ ये भी रोज़ेस। मिल गया मिल गया। टोनी धंधे पे ध्यान दे, आज तेरा पहला दिन है। जी। ढूंढो ढूंढो रे साजना, चकले का बाल मा। ये मिल गया मिल गया मिल गया, आज बहुत मिल रहे हैं। हर बहुत मिल रहे यार।
थैंक यू, ये लीजिए। ए टोनी, रोशनलाल जी के बाल जरा प्यार से दो ना। बाल तो बाल, हाँ हाँ, इधर भी इधर भी। आपके बाल बिल्कुल काले हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। अच्छा, आप जरा बाल तब तक सुखा लीजिए। अच्छा, मैं आता हूँ। हाँ, ओके, थैंक यू, ये रख लो। थैंक यू, आइंदे तुम्हारे पास ही आऊंगा। आप जरूरत नहीं पड़ेगी। ढूंढो हैं क्यों मियां रोशनलाल जी? मैं बाल सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। एक टोनी कंबक कहाँ गया? कहाँ गया मालूम नहीं। हम भी तो देखे हमारे मैजिक डाई का कमाल। रोशनलाल जी, अरे जिसे को लगाइए डाई, सारे बाल काले हो जाएंगे। वजन ज्यादा है। देखिए हमारे मैजिक डाई का कमाल। अकबर, 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 ये क्या है? अकबर मेरे बाल काले करो, तुम मेरे बाल काले करो। हो नहीं सकते, अब जड़ से नए बाल आएंगे, वो भी लाल आएंगे। मैं मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा तुम्हें। गरीब का शेर आज सुनाओ। नहीं सुनूंगा। आपके काम का है? मेरे बाल काले हो जाएंगे इसे? नहीं, ये तो आपको कब्र तक साथ देंगे। अरे कुत्ते भौंकने लगे टोनी, दुकान बंद कर दे, आज बहुत सेल हो गया, अमर भैया खुश होंगे। अजीत पाबे, आज नौकरी का पहला दिन है, दुकान बंद करने का टाइम हो गया, लेकिन कोई लफड़ा नहीं हुआ। दुकान खुली है। मर गया। हाय, मुझे इतनी भूख लगी है, मैनेजर कहाँ है? जी वो सोच रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड ने आप लोगों को पास कैसे कर दिया। शट अप, खाने का ऑर्डर लो। आप क्या लेंगी? मैंने कहा ऑर्डर लो। यहाँ क्या देख रहे हो? जी जो दिख रहा है वही देख रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब देखिए, मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा है वही देख रहा हूँ। व्हाट? देखिए, देश में गरीबी बहुत है, गरीबी हटाइए ना, ये कपड़े क्यों हटा रही है? गो टू हेल मैन, गो टू हेल मैन। 12 चिली चिकन, 12 चिकन मंचूरियन, 12 चिकन फ्राइड राइस एंड 12 चिकन हाका नूडल। ओके, सच ओवर। ये आपका खाना और बाकी लड़कियों के लिए खाना ट्रक में भेजू क्या? हाँ, हाँ, नहीं, गाड़ी में। गाड़ी में जल्दी। यस मैडम। भगवान भला करे उस गाड़ी के पहिए का। जल्दी जल्दी। जहां भी मेरी नौकरी लगती है, ये लड़की मोना वहां पहुंच जाती है और मेरी नौकरी चली जाती है। लेकिन आज मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मजा चखा कर ही रहूंगा। हो जाए हो जाए।